एक अच्छा आदमी नरेंद्र मोदी जी का पूरा ताकत में आप कोयम्बतूर सिटी में पूरा मेरा तो परिवार फ्रेंड से आप पूरा लोटस में आप वोट करना पड़ेगा जी। हाँ थैंक यू जी, धन्यवाद जी। एक पॉलिटिकल लीडर जिनका सफर शुरू हुआ एक आईपीएस बनने से और देश के लिए कुछ अलग करने के जज्बे ने उनको एक प्रसिद्ध एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। कौन है ये जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं? आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं बताएंगे आज इस वीडियो में। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। यह है पोर्ट्रेट्स एबीपी लाइव पॉडकास्ट की स्पेशल पेशकश। 4 जून 1984 4th of June 1984 को इनका जन्म हुआ एक थोट्टमपट्टी नाम के गांव में जो कि चिन्नधारापुरम के बगल में है, करूर डिस्ट्रिक्ट में, कोंगो वलालार काउंटर समुदाय के खेती करने वाले परिवार में। कोंगो वलालार तमिलनाडु के पश्चिमी जिले में रहने वाला एक जातीय समूह है जिनकी मदर टंग तमिल है। अपनी स्कूली शिक्षा इन्होंने कोयम्बतूर के करूर और नामाक्कल डिस्ट्रिक्ट से की। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोयम्बतूर पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से और मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आईआईएम लखनऊ से। फिर 2011 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम टॉप करके कर्नाटका पुलिस ज्वाइन कर ली बतौर आईपीएस। इनकी शादी अकीला स्वामीनाथन से हुई है, इनके दो बच्चे भी हैं। कुछ समय बाद में इनका ट्रांसफर हुआ चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में जो कि कर्नाटका में है। वहां इन्होंने डिस्ट्रिक्ट चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर सर्व किया 2018 तक। 2018 में प्रमोशन हुआ और साउथ बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बने। पुलिस में रहते रहते इन्होंने बहुत बड़े काम किए। इन्होंने रेप केसेस को कंट्रोल किया और कम्युनल राइट्स को कंट्रोल किया। ऐसे और भी बहुत बड़े काम थे जिनके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया, जिनसे इन्हें फेम मिला। जैसे इन्होंने ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन्स किए, इलीगल लिकर शॉप्स को बंद कराया। 9 साल आईपीएस की नौकरी के बाद इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने खेती पर ध्यान दिया और खुद का आईएएस ट्रेनिंग सेंटर खोला और नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन भी खोले। ये आरएसएस से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उस समय के बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह से मिले तब इन्होंने बताया कि ये जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं और आरएसएस से इंस्पायर्ड है। अपनी नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद 2020 में इनको बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मुरुगन की उपस्थिति में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मुरुगन उस समय के बीजेपी तमिलनाडु के प्रेसिडेंट थे, अब वो जॉइंट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग में। फिर 2021 में अरावाकुरीची असेंबली जो कि तमिलनाडु में है, ये वहां से लड़े और डीएमके पार्टी के एक कैंडिडेट को हरा दिया। फिर जब मुरुगन यूनियन मिनिस्टर बन गए तब 8 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने ऐलान किया नए स्टेट प्रेसिडेंट का। वो नाम था अन्नामलाई कुपुस्वामी। अन्नामलाई कुपुस्वामी को अपनी ट्रेनिंग के दौरान एस्पिरेट द कॉर्प्स जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अब 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोयम्बतूर से लड़ रहे हैं अन्नामलाई। अब देखना यह है कि तमिलनाडु में सबके चाहते जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात अगले वीडियो में जल्द करेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। जानेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की स्पेशल सीरीज पोर्ट्रेट्स में एक और शख्सियत के बारे में अगले वीडियो में। मैं मानसी हूं आपके साथ। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।